प्रिंट हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव और भैरव देव को समर्पित है। मान्यता है कि जिन लोगों पर शनिदेव की कृपा रहती है उन्हें जीवन में किसी की कमी नहीं रहती है, हर चीज में उन्हें सफलता मिलती जाती है। उस व्यक्ति के घर में माँ लक्ष्मी का वास रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा अर्चना करने, सरसों का तेल चढ़ाने और काले तिल आज समर्पित करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। ग्रंथों में शनिवार के दिन कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें करने से मनाही होती है। अगर व्यक्ति भूल से भी इन कामों को कर लेता है तो शनिदेव उनसे रुष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर हो जाती है, बनते बिगड़ते काम लगते हैं, साथ ही शनिदेव की क्रोध का शिकार भी होना पड़ता है। आइए जानते हैं शनिवार के दिन भूलकर भी किन कामों से करने से बचना चाहिए। नंबर वन, शनिवार के दिन सरसों का तेल कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल इस दिन शनिदेव को चढ़ाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन सरसों का तेल खरीदता है उसे शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। नंबर टू, शनिवार के दिन लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन लोहे का कोई भी वस्तु खरीदने से शनिदेव गुस्सा हो जाते हैं। इस दिन लोहे से बनी हुई चीजों का दान करना चाहिए। इस दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लोहे से बने सामान खरीदकर घर पर न लाएं। शनिवार के अलावा आप किसी भी दिन लोहे का सामान। नंबर थ्री, शनिवार को काला तिल कभी न खरीदे। ऐसा माना जाता है कि इस दिन काला तिल खरीदने से कार्यों में बाधा आती है। शनि दोष को दूर करने के लिए शनिवार को काला तिल का दान और पीपल के पेड़ पर चढ़ाने का नियम है। नंबर फोर, काले रंग के जूते खरीदने हैं तो शनिवार को न खरीदे। मान्यता है कि शनिवार को खरीदे गए काले जूते पहनने वाले कार्य में असफलता दिलाते हैं। इस दिन चमड़े का सामान जैसे पर्स, बेल्ट, बैग आदि को नहीं खरीदना चाहिए। नंबर फाइव, शनिवार के दिन नमक भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है शनिवार को नमक खरीदने से कर्ज का बोझ आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप कर्जों से बचना चाहते हैं तो इस दिन नमक न खरीदें। इसके अलावा इस दिन झाड़ू भी नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा जीवन में आर्थिक परेशानियां बढ़ जाती है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।